हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। आज हम बात करने वाले हैं माइक्रोमैक्स Q4L61 की, जिसमें लगा हुआ है 4 पिन लॉक। तो इस लॉक को कैसे खोलते हैं बिना कंप्यूटर के, तो देखते रहे हमारी पूरी वीडियो शुरू से एंड लास्ट तक। तो देख सकते हैं दोस्तों, इसमें जो है FRP लॉक लगा हुआ है, यानी कि हार्ड रिसेट कर दिया है। हार्ड रिसेट करने के बाद जो ID मांग रहा है वो ID मांग रहा है अभी, वो जो पहले इसमें ID डली हुई थी। तो सबसे पहले इसमें वाईफाई से कनेक्ट करना है दोस्तों अपना फ़ोन। वाईफाई से कनेक्ट करने के बाद दोस्तों देख सकते हैं इसे जो है, आगे बढ़ लेते हैं इसमें चेकिंग इन्फो हो रहा है। देख सकते हैं वाईफाई से इसे कनेक्ट करा लिया हमने। कनेक्ट कराने के बाद देख सकते हैं दोस्तों, दिस डिवाइस वाज रिसेट, यानी कि जो ID इसमें पहले डली हुई थी वो ID अगर डालेंगे तो हमारा फ़ोन खुल जाएगा यहीं, वरना हमारा फ़ोन खुलेगा नहीं। तो हमारा ID का पता नहीं, तो हमें सबसे पहले बैक आना है। बैक आने के बाद यहाँ जाना आपको एड नेटवर्क पे, एड अनदर नेटवर्क पे जाने के बाद यहाँ आपको कुछ भी टाइप कर लेना है, कुछ भी XYZ टाइप करने के बाद दोस्तों आपको इस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद देखते हैं इधर 4 डॉट आ चुके हैं। इस पर जाने के बाद एक इस पर आपको ओके कर देना है, एक बार बस ओके करना है। डिस्प्ले कुछ तरीके से होगी। यहाँ जाने के बाद आपको अब लिखना है Chrome CH। देखते हैं दोस्तों, मैं यहाँ CH लिखते ही क्रोम ब्राउजर, जो हमारा फ़ोन का क्रोम ब्राउजर होता है, वो आ चुका है। और यहाँ प्लस पे जाके हम जो है अपना क्रोम ब्राउजर पे आ जाते हैं। क्रोम ब्राउजर पे आने के बाद दोस्तों यहाँ एक साइड का लिंक है, मैं आपको दोस्तों बता देता हूँ, BK Smart। देख सकते हैं दोस्तों, आपको लिखना है BK Smart Phone, BKSMART Smartphone.com। दोस्तों आपको लिखना है, डॉट बिना तो आप ऐसी सर्च मार सकते हैं। देख सकते हैं दोस्तों, BKSMARTPHONE.com भी लिख सकते हैं, नहीं तो ऐसी भी आप इसे सर्च मार सकते हैं। देख सकते हैं दोस्तों, मैंने ऐसी भी साइट को सर्च मार दिया। और जो देख सकते हैं दोस्तों, आपको ऊपर जो BKSMARTPHONE.com की जो साइट मिली है आपको ऊपर ब्लॉगर की, आपको इस साइट को ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद दोस्तों आपको गूगल अकाउंट बाईपास 2019.8.0 पर आपको क्लिक करना है। एक बार क्लिक करने के बाद दोस्तों आपको कुछ इस तरीके का इंटरफेस होगा। तो आपको अब जाना है यहाँ पे 4th नंबर पे, टेक्नोकेयर ट्रिक ऐप जो लिखा हुआ है इस पे आपको दोस्तों ओके कर देना। एक बार ओके, और ये एप्लीकेशन हमारी देख सकते हैं डाउनलोड होना जो है स्टार्ट हो गई। और एक एप्लीकेशन है 3rd नंबर पे, देख सकते हैं दोस्तों डाउनलोड हो गई। एक 3rd नंबर पे जो है क्विक शॉर्टकट मेकर एप्लीकेशन है, इसे भी दोस्तों अपने फ़ोन में जो है डाउनलोड कर लेना है। ये दोनों एप्लीकेशनों की मदद से हम जो है इसका FRP रिमूव कर देंगे। देख सकते हैं दोस्तों, हमने जो दोनों एप्लीकेशन डाउनलोड कर ली। तो टेक्नोकेट ट्रिक ऐप जो है, सबसे पहले अपने फ़ोन में इस एप्लीकेशन को इंस्टॉल करना है। फिर यहाँ करने के बाद आपको डिवाइस यहाँ करना है इनक्यूनो सिक्योर पे। करने के बाद दोस्तों आपको अब इसे फिर दोबारा इंस्टॉल कर देना है अपने फ़ोन में। तो देख सकते हैं दोस्तों, टेक्नोकेट ट्रिक ऐप जो है हमारी एप्लीकेशन, वो हमारे फ़ोन में इंस्टॉल हो रही है। इंस्टॉल होने के बाद दोस्तों, जो क्विक शॉर्टकट मेकर एप्लीकेशन है दूसरी वाली, उस एप्लीकेशन को भी इंस्टॉल करना है और उसे वहीं पर ओपन करना है। इस एप्लीकेशन को तो इंस्टॉल होते ही आपको डन कर देना है। देख सकते हैं हो चुकी है। बस ये डन करने के बाद क्विक शॉर्टकट मेकर एप्लीकेशन को हमें इंस्टॉल करना है। इंस्टॉल करने के बाद दोस्तों यहीं इसे ओपन कर लेना है। तो देख सकते हैं दोस्तों, हमने इसे यहीं ओपन कर ली। ओपन करने के बाद देख सकते हैं दोस्तों, दूसरे नंबर पे आप देख सकते हैं एप्लीकेशन का ऑप्शन है। देख सकते हैं यहाँ एप्लीकेशन, इस पे आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद दोस्तों आपको अब सबसे नीचे आने जाना है। देख सकते हैं सेटिंग का ऑप्शन मिलेगा, देख सकते हैं सेटिंग पे आपको एक बार ट्राई कर देना है। ट्राई करने के बाद देख सकते हैं दोस्तों, हम फोन के अबाउट में चले जाते हैं। देख लेते हैं मॉडल नंबर क्या है इसका। देख सकते हैं Q4L61 इसका मॉडल नंबर है, 7.0 है। तो आपको सबसे पहले आना है सिक्योरिटी सेटिंग में। सिक्योरिटी सेटिंग में आने के बाद दोस्तों आपको आना है डिवाइस एडमिन। तो इसमें आने के बाद दोस्तों, दोनों ही सही के निशान को आपको डीएक्टिवेट कर देना है। दोस्तों दोनों निशान आप डीएक्टिवेट कर लेना है पहले। फिर करने के बाद दोस्तों अब आपको जाना है ऐप्स में, ऐप्स के ऑप्शन में। देख सकते हैं ऐप्स, फ़ोन की जो सारी ऐप है आपको अब नीचे आना है। नीचे आने के बाद आपको दोस्तों एक तो गूगल प्ले सर्विस देख सकते हैं आ चुका है, गूगल प्ले सर्विस और गूगल प्ले स्टोर को कुछ देर के लिए हम इन्हें बंद कर देते हैं, यानी कि इन्हें डिसेबल कर देना है कुछ देर के लिए। देख सकते हैं दोस्तों, डिसेबल हमने कर दी है। तो दोस्तों डिसेबल करने के बाद दोस्तों अब आपको आना है बैक। बैक आने के बाद दोस्तों आपको जाना है वो अकाउंट के ऑप्शन में। इसमें नीचे अकाउंट का ऑप्शन मिलेगा, देख सकते हैं दोस्तों अकाउंट का ऑप्शन। यहाँ जाना है ऐड अकाउंट, यहाँ गूगल का ऑप्शन आ गया। तो दोस्तों यहाँ जाने के बाद आपको दोस्तों यहाँ अपना जो भी ID है आपकी दूसरी, वो ID यहाँ डाल लेनी है। और नहीं है तो आप पहले बना लें अपनी Gmail ID जो होती है, अपने मोबाइल से या कंप्यूटर से बना लें, और ID पासवर्ड आपको दोस्तों यहाँ डालना है और नेक्स्ट कर देना। देख सकते हैं दोस्तों, मैंने डाल लिया ID पासवर्ड और इसे एग्री कर देता हूँ।
अगर नहीं है तो दोस्तों आप पहले बना लें फ़ोन से या कंप्यूटर से बना लें, फिर इसमें डाल लेना है, ना तो सबके पास ईमेल आईडी होती है। फिर डालने के बाद दोस्तों आपको अब सबसे पहले बैक आना है। बैक आने के बाद दोस्तों आपको जाना है अब एप्स में। एप्स में जाने के बाद देखते हैं दोस्तों, हमने डिसेबल कर दी दोनों एप्लीकेशन, डिसेबल कर दी, अभी इन्हें ऑन कर देना है। डिसेबल इसलिए कर दी हमने, जो हमारा अकाउंट है वो अब ऐड हो गया हमारे फ़ोन में और जो पुराना अकाउंट था वो डिलीट हो गया। दोस्तों इतना करने के बाद दोस्तों आपको अपना फ़ोन यहाँ पर ही एक बार रिवोट कर देना है, अपना फ़ोन जो है रिवोट कर देना है। और दोस्तों इसमें जो पुराना अकाउंट था वो हमारा जो है डिलीट हो जाएगा और नया अकाउंट हमारा जो इसमें है ऐड हो जाएगा और हमारा फ़ोन बिल्कुल ओके खुल जाएगा। और दोस्तों फ़ोन खुलने के बाद दोस्तों आपका सबसे पहले टेक्नो के ट्रिक ऐप और क्विक शॉर्टकट मेकर एप्लीकेशनों को, दोनों एप्लीकेशनों को अपने फ़ोन में से इंस्टॉल कर देना है सबसे पहले, और बाद में अपनी आईडी भी हटा सकते हैं। देखते हैं दोस्तों हमारा जो फ़ोन स्टार्ट हो चुका है, यहाँ देख सकते हैं दोस्तों, मैं इसे पकड़ लेता हूँ, नेक्स्ट, और देखते हैं दोस्तों आने वाला है, लिखो आप अकाउंट एडिट हमारे फ़ोन में, देख सकते हैं दोस्तों आने वाला है, ये चेकिंग कनेक्शन हो रहा है। तो देख सकते हैं दोस्तों अकाउंट एडिट यानी कि हमारा जो अकाउंट है नया वो ऐड हो चुका है और पुराना अकाउंट इसमें से डिलीट हो चुका है। दोस्तों आपको अपने फ़ोन में इतना ही काम करना है और आपका फ़ोन जो है ओके हो जाएगा। और दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो ज़रूर लाइक करें और हमारा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें। देख सकते हैं दोस्तों हम और इसे खोल लेते हैं पूरा सेट, कभी आप सोचेंगे वो ऐसा कर दिया, तो हम इसे पूरा सेट से ऑन कर लेते हैं। और ऑन करने के बाद सबसे पहले सेटिंग में जाना है, सेटिंग में जाने के बाद ऐप्स में जाने के बाद दोस्तों आपको दोनों एप्लीकेशन अपने फ़ोन में से इंस्टॉल कर देना है। देख सकते हैं दोस्तों मैं चले जाता हूँ सेटिंग में। सेटिंग में जाने के बाद सबसे पहले ऐप्स में, ऐप्स में जाने के बाद दोस्तों आपको अब जाना है गूगल प्ले, वो गूगल प्ले सॉरी क्विक शॉर्टकट मेकर को इंस्टॉल कर देना है और टेक्नो केयर ट्रिक ऐप, दोनों एप्लीकेशन कर चुके हैं दोस्तों, हमारा फ़ोन जो है बिल्कुल ओके हो चुका है, इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो जरूर लाइक करें और हमारा चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। तो थैंक यू फॉर वीडियो देखने के लिए, आपका दिन शुभ हो।